अखिल भारतीय मातृ वैश्य महासभा की 132वीं जयंती शमशाबाद में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। स्वर्गीय सेठ गणेशी लाल की स्मृति में मातृ वैश्य महासभा ने शमशाबाद कस्बे में 132वीं जयंती का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया। मातृ वैश्य जयंती को लेकर पदाधिकारी कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। गुरुवार को कस्बा शमशाबाद में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ दाऊजी मंदिर से हुआ। इसके बाद शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों मीन मार्केट, पुराना राजखेड़ा मार्ग, गांधी चौराहा, इरादत नगर रोड, फतेहबाद रोड होते हुए पैनीराम धर्मशाला में जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में मातृ वैश्य समाज की सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लिया। जयंती के मौके पर मातृ वैश्य समाज के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समाज के अध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता ने बताया कि कस्बा शमशाबाद में प्रतिवर्ष मातृ वैश्य जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान स्वजातीय बंधुओं का भरपूर सहयोग मिलता है। आज कार्यक्रम ये है कि शोभा यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद हमारा मंची कार्यक्रम चलेगा। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके मान सम्मान की व्यवस्था होगी, उसके बाद सहभोज होगा और कल 4 अक्टूबर को बैनीराम राजपुत्रा स्कूल में बहुत ही विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उस आयोजन के लिए मैं अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से प्रचलित करें और अधिक से अधिक लोग जाकर के विराट कवि सम्मेलन को। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम इसको मना रहे हैं और आज 132वीं जयंती है, विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ है। इसके लिए हम इस पूरे मातृ समाज का तहे दिल से मातृ सभा की ओर से धन्यवाद देते हैं और सभी आगंतुकों का स्वागत करते हैं। मातृ वैश्य समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का कस्बा शमशाबाद में पुष्प वर्षा कर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष शमशाबाद अरविंद कुमार निर्मल फोर्स के साथ मौजूद रहे। शोभा यात्रा के समापन के पश्चात बैनीराम धर्मशाला में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया गया। शुक्रवार को मातृ वैश्य महासभा द्वारा एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी कराया जाएगा, जिसमें दूरदराज से बुलाए गए कवि अपनी कविताएं पेश करेंगे। सी न्यूज़ के लिए शमशाबाद से शामबीर सिंह के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट।